चंदपाल जी, शर्मा जी और प्रदीप जी और दर्शक भी यहाँ बैठे हुए हैं, नेता भी बैठे हैं, इन सभी लोगों की बातें सुन के एहसास हो रहा है कि बुंदेलखंड इस भारत का सबसे विकसित क्षेत्र है, क्योंकि इन्होंने बताया कि जब मेरी सरकार थी तो मैंने सब कुछ कर दिया, राहुल जी ने, मनमोहन सिंह ने सब कर दिया, मैंने ये विकास का नहीं कहा। चंदपाल जी कह रहे हैं कि जब अखिलेश जी थे, मुलायम सिंह जी थे, सब कुछ कर दिया, ये कह रहे हैं कि 14 से गंगा ही बह गई है। देखिए, हम आपको हमने शुरू में कहा कि बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा हुआ इलाका था, बुंदेलखंड के समक्ष बहुत सी चुनौतियां थी। हमने ये भी कहा तमाम सरकारें आई, उस सरकारों ने अपने स्तर से भरपूर प्रयास भी किए, हमने ये नहीं कहा कि किसी ने प्रयास नहीं किए, सबने प्रयास किए, लेकिन बुंदेलखंड के विकास के लिए जिस तरीके के प्रयास होना चाहिए उतने प्रयास नहीं हो पाए, और आज बुंदेलखंड उस दौड़ में जो मुख्य धारा है उसमें आज भी शामिल नहीं हो पाया। तमाम जो है घोषणाएं होती हैं लेकिन उन घोषणाओं को पूरा नहीं किया। आज जो है डिफेंस कॉरिडोर के लिए हमारी समझ में उत्तर प्रदेश की सरकार ने और भारत सरकार ने पिछले 4 साल पहले घोषणा कर दी, जमीन एक्वायर हो गई, लेकिन आज डिफेंस कॉरिडोर के नाम पे एक वहाँ जो है ईंट भी नहीं लगी। आज जो है जो सड़कें बन रही हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना, पुष्पन जी बैठे हैं, पटेल साहब बैठे हैं, निश्चित रूप से बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है ये लोग खुद इस बात को कंप्लेंट करेंगे कि उसकी क्वालिटी जो बनाने वाले लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, उन्होंने अपनी जेबें भरने का काम किया है। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं शायद मैं समझता हूँ किसी सड़क पर नहीं होते हैं। तो बुंदेलखंड को जो महत्व मिलना चाहिए वो महत्व तो नहीं मिल पाया। हम चाहते हैं कि तमाम, आप भले ही आपका ये शो है महापंचायत के लिए, आप बीजेपी से पूछें, कांग्रेस से पूछें और समाजवादी पार्टी के रूम में, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे हम तीनों अलग अलग दल के लोग हैं, बुंदेलखंड के विकास की बात जहां आएगी हम सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के और बुंदेलखंड के विकास के लिए काम करेंगे। अच्छा, इनकी पार्टी के सांसद थे और खुद प्रदीप जी के अध्यक्ष, और खुद प्रदीप जी कई बार कह रहे हैं कि बुंदेलखंड का विकास तभी संभव है जब अलग राज्य बन जाए, क्या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर चंदपाल यादव भी यही मानते हैं? नहीं, हमारा देखिए हमारा एजेंडा दूसरे तरीके का, हमारा एजेंडा आपका मानना है कि बुंदेलखंड, हमारा बुंदेलखंड का विकास नहीं, हमारा एजेंडा है बुंदेलखंड का विकास, और बुंदेलखंड के प्रदेश बनाने के लिए कोई आदमी जो है भले ही कहता रहे, चुनाव के समय हमारे भाई प्रदीप जैन साहब ने भी अपने चुनाव में जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे वादा किया कि बुंदेलखंड का राज्य बनवाएं, उसमें एक मिनट अपनी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, वादा किया, हम भी चुनाव लड़ रहे थे कि बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, लोगों ने कहा, हमारे पंडित जी बैठे हैं इन्होंने भी बड़ा किया कि साहब जैन साहब बनाएंगे, और भारत सरकार आपकी सरकार थी, चाहते आप बना सकते थे लेकिन नहीं बना। हमारी बहन उमा भारती जी आके चुनाव लड़ी यहाँ, उनका एक ही नारा था कि अगर नहीं बनाएंगे तो हम दोबारा यहाँ कभी आएंगे नहीं, हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे और मुख्य रूप से बुंदेलखंड का राज्य बनाएंगे, लेकिन ये उनकी बात सही है कि वे फिर उसके बाद आई भी नहीं। ठीक है, उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन बुंदेलखंड राज्य चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए, बुंदेलखंड राज्य बुंदेलखंड के विकास का मुद्दा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड का विकास हो, किस तरीके से विकास हो, जो भी तरीका हो हम उस तरीके में सहमत हैं कि बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए, क्या रास्ता है उस रास्ते पे हम चलने के लिए तैयार। देखिए एक बात, मतलब, जो आपने, मतलब आपने समाजवादी पार्टी, आखिरी आपसे सवाल है, बुंदेलखंड अलग राज्य बने विकास संभव है, इसको लेकर कांग्रेस की और भाजपा की एक राय है लेकिन सपा की राय नहीं है? भाई देखिए, स्पष्ट शब्दों में, आज सरकार में, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है? बनाए, अगर बनाना है तो बनाए, बुंदेलखंड राज्य बनाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है।
हम बुंदेलखंड के विकास के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। राज्य बनेगा, राज्य बना के विकास करना है, हम साथ हैं। बिना राज्य के विकास करना है, हम बुंदेलखंड के विकास के लिए साथ हैं। हम तो चाहते हैं बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए। आ क्यों नहीं बनाती भारतीय जनता पार्टी? बना देना चाहिए, अलग से राज्य बना देना चाहिए। रवि शर्मा जी, ये बताइए, पहले हम वो अपना स्पष्टीकरण दे दें जो आपने कहा। जब हम विधायक थे दोनों बार विधानसभा में, एक बार आपकी सरकार थी, एक बार बहन जी की सरकार थी, संकल्प भी लाए थे और प्रस्ताव भी लाए थे और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। और जब हम यहाँ से जीत के गए, हमारे भाई भी हमारे संग सांसद थे, हमने उस बात को वहाँ रखा। लेकिन चूंकि संघीय ढांचा है, मध्य प्रदेश की सरकार नहीं चाहती थी कि वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे कि वहाँ का कोई हिस्सा बुंदेलखंड राज्य में जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार भी नहीं चाहती थी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भी आंध्रा के अंदर तेलंगाना और आंध्रा जब बने कितने बवाल हो रहे। दोनों सरकारों की आवाज नहीं थी, जिसके कारण हमारी आवाज संसद में उठने से रुक गई। माननीय मंत्री जी, आज आज बीजेपी के सामने भी यही समस्या है जो अभी हमें भाई पुष्पेंद्र जी ने कही, बना सकते लेकिन सांसद लेकिन लेकिन भारत सरकार को अधिकार है कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाइए और राज्यों को पुनर्गठित करिए। क्यों नहीं करते? आज आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी राज्य पुनर्गठन आयोग बनाए चंद्रपाल जी, राज्यों का पुनर्गठन करे, नए तरीके से नए नए राज्य बनाओ। लेकिन लेकिन ये तो एक बहाना है, ये तो एक बहाना है कि वादा घोषणा करके और वादा ना पूरा करने का। आज आज कल कांग्रेस पार्टी के सामने था, आज भारतीय जनता पार्टी के सामने। कांग्रेस ने तो हमेशा छोटे राज्य बनाए हैं, तेलंगाना और आंध्रा पूरी दुनिया के सामने अगर हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, हमारी नेता ने कहा था, तो वो बना। आप इसके पहले भी, रवि शर्मा जी ये बताइए, ये तो आपस में आपने देख ही लिया। एक सवाल, आप विधायक हैं यहाँ से, और चंदपाल जी से मेरा सवाल आप पूछ लीजिए, और मैं भी जानना चाहता हूँ कि भाई सहकारिता की दुनिया के आप इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं, आपकी वो हैसियत तो है कि यहाँ सहकारिता के लिहाज से कुछ कर सके। आपने सहकारिता के लिहाज से कुछ किया यहाँ पे? नहीं, सहकारिता के लिहाज से हमने पूरे यहाँ के लिए नहीं, जब आपने कहा नहीं, आप बुंदेलखंड के प्रति आपका दायित्व तो बनता है, झांसी के लिए दायित्व तो बनता है। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, चंद्रपाल यादव जो अंतर्राष्ट्रीय हैसियत रखते हैं सहकारिता की दुनिया में, देखिए जब पवार साहब की बात हम करते हैं, देश में घूमते हैं तो सहकारिता में उनका दखल है, तो आप बारामती चले जाइए, उनके इलाके में चले जाइए, उन्होंने सहकारिता के लिए अपने पूरे इलाके को ऐसा कर दिया कि रोल मॉडल हो गया। चंदपाल यादव जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं और लगातार चलते आए हैं सहकारिता को लेकर, आपने बुंदेलखंड के लिए कुछ किया या नहीं किया? नहीं, बुंदेलखंड के लिए देखिए सहकारी आंदोलन के माध्यम से जो भी किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि किसानों की अच्छी खेती हो, किसान के खेत में अच्छा उत्पादन हो, किसान को जो कृषि आदानों की आवश्यकता है वो समय से उनकी पूर्ति हो, उन किसान जब अच्छा उत्पादन करेगा बाजार में लेकर के जाएगा। अभी जी कुछ तो किये नहीं, 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 नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, कई ऐसे प्रांत है जिन्होंने ठोस काम किया, इन्होंने कई ऐसे प्रांत है जिनमें सहकारिता आंदोलन के माध्यम से उन प्रांतों ने बड़ी उन्नति की है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सहकारिता आंदोलन प्रभावी नहीं रहा, सहकारिता के माध्यम से उन्नति नहीं हुई, सहकारिता को लेकर कोई ठोस काम नहीं हुआ, सहकारिता सिर्फ चुनावी विभाग बन गया और यहां से डेलीगेट सिर्फ चुने जाने लगे, डिफॉल्ट कमेटियों को उनसे अपने वोट लेकर के और आगे लोग निकलते चले गए, राष्ट्रीय हो गए, राष्ट्रीय से प्रदेश से राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से अंतर। प्रदीप जी आप भी ये पूछना चाहें? ये तो हम चाहेंगे उनसे, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं और बुंदेलखंड में बहुत इसका स्कोप है। आज आपको जो एबीपी के माध्यम से कहा जा रहा, ये पूरे बुंदेलखंड की आवाज है कि आप दल से ऊपर उठकर इस बुंदेलखंड के लिए करिए, क्योंकि गन्ना आपने आप ऑर्गेनिक करिए, मतलब अभी तक किया नहीं इन्होंने, अभी अभी आप जनता की भी यही मांग है क्या? तो आप ये कह रहे हैं कि जो सहकारिता का काम करना चाहिए,
चंद्रा जी जवाब दे एक एक मिनट बाद देखिए देखिए एक मिनट बाद बताएं एक मिनट बाद बताएं आप सहकारिता के बारे में थोड़ा एक मिनट में हम बता दें कि सहकारी आंदोलन किस तमाम राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके जाति धर्म क्षेत्र संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके है। इसमें कोई राजनीति नहीं होती है ना हम किसी जब हम कोऑपरेटिव के ऑफिस में जाकर के बैठते हैं हम राजनीति अपनी घर पे छोड़ के जाते हैं और कोऑपरेटिव में बैठ करके एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।